हेलो चिल्ड्रेन डूइंग गुड लेट्स स्टार्ट माय हॉबीज आर दोन ऑफन आई लाइक टू डू टू एक्टिविटीज इन माई फ्री टाइम पेंटिंग एंड सिंगिंग हॉबीज आपकी वो एक्टिविटीज होती है जो आप अपने फ्री टाइम में करते हैं अपने आपको रिलैक्स करने के लिए अपने आपको हैप्पी फील कराने के लिए तो दिस गर्ल हैजू हॉबीज उसकी हॉबीज क्या है पेंटिंग एंड सिंगिंग ये फ्री टाइम में पेंटिंग या फिर सिंगिंग करती है हेलो माय नेम इज़ रश्मि लेट मी टेल यू अबाउट सम ऑफ माय हॉबीज अब ये रश्मि है ये अपनी कुछ हॉबीज़ के बारे में बताना चाहती है तो चलिए देखते हैं द गेम्स विच आई लाइक टू प्लेन माई फ्री टाइम आर चेस एंड कैरम रश्मि को क्या पसंद है फ्री टाइम में खेलना चेस एंड कैरम माई मदर सेज दीज एक्टिविटीज़ इन गेम्स और माई हॉबीज़ मेरी मदर कहती हैं कि ये जो एक्टिविटीज़ है गेम्स हैं ये मेरी हैबिट्स हैं दिस इज़ मनीषा शी लाइक्स टू राइट अ नंबर ऑफ पोम्स इन हर फ्री टाइम ये मनीषा है इसको क्या है पसंद है पोम्स लिखना पसंद है मनीषाज हॉबी इज़ राइटिंग पोट्री दिस इज़ मदन ही लाइक्स कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेप्स इन इज फ्री टाइम हैंड्स इट इज कॉल्ड स्टेम्प कलेक्शन अब मदन की हॉबी क्या है वो डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेप्स को कलेक्ट करता है अपने फ्री टाइम के और इसे कहते हैं स्टेम्प कलेक्शन हॉबीज़ शो द इंटरेस्ट ऑफ पर्टिकुलर पर्सन हॉबीज में चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन अब हॉबीज क्या शो करते हैं पर्टिकुलर पर्सन का इंटरेस्ट क्या है और हॉबीज़ हर पर्सन की डिफरेंट होती हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हॉबीज हॉबीज़ मेक अस ग्लाट प्रियंका हैज़ अ वेरी सॉफ्ट एंड स्वीट वॉइस सिंगिंग मेक्स अ वेरी ग्लाट हॉबीज एक्चुअली आपको हैप्पी बनाती हैं जैसे प्रियंका है उसकी वॉइस काफ़ी स्वीट है तो उसको सिंगिंग वो सिंगिंग करती है और सिंगिंग से वो काफ़ी खुश भी होती है नॉलेज सम कंट्रीज प्रिंट स्टैम्प्स मोस्टली फॉर कलेक्टर्स टू मेक मनी अच्छा कुछ ऐसी कंट्रीज होती हैं जो स्टैम्प्स को प्रिंट करती है किन के लिए होते हैं कलेक्टर्स के लिए होते हैं जो इनको कलेक्ट करते हैं और फिर उससे वो मनी बनाते हैं हॉबीज हेल्प आस टू रिलैक्स मिस्टर गुप्ता एज अ टीचर वी गेट टायर्ड्स क्लोजेज आई विद ग्रेट कंफर्ट एंड लिस टू म्यूजिक विदाउट एनी डिस्टर्बेंसिस इट कीप्स अज माइंड कूल एंड मेक हिम फील रिलैक्सड हॉबीज़ हमको रिलैक्स करने में भी हेल्प करती हैं फॉर एग्जाम्पल मिस्टर गुप्ता आपके टीचर हैं जब कभी वो थक जाते हैं तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं जिससे उन्हें काफ़ी कंफर्ट मिलता है एंड उसके बाद वो म्यूज़िक सुनते हैं हॉबीज़ कीप अस बिजी इन अ फ्री टाइम गोकुल इज़ अ वेरी नॉटी बॉय हिज मदर ऑफन बाय सम फ़नी एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक्स फॉर हिम ही इन फैक्ट इन्जॉयज अ लॉट इन रीडिंग दीज फनी एंड इंटरेस्टिंग बुक्स ग्रेजुअली रीडिंग हैज़ बिकम हिज हॉबी

जो हम अपने फ्री टाइम में करते हैं ओके okay? हम अपना जो टाइम है टाइम स्पेंड करते हैं एक या एक से ज़्यादा हॉबीज में एंड हॉबीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है इनडोर्स एंड आउटडोर्स ऑलवेज रिमेंबर द ओनली कंट्री टू प्रिंट स्टैम्प्स विदाउट आउट इट्स सेम ऑन दैम इज ग्रेट ब्रिटेन दिस इज ओके बिकॉज दे इन्वेंटेड द स्टैम्प ग्रेट ब्रिटेन एक लौती ऐसी कंट्री है जो स्टेप्स को प्रिंट करती है बिना उसको नाम दिए सम जनरल हॉबीज अच्छा देखिए कुछ जनरल हॉबीज होती हैं लाइक पेंटिंग राइटिंग स्टैम्प कलेक्शन लिसनिंग टू म्यूजिक प्लेइंग गेम्स ऑन कंप्यूटर जिमनास्टिक्स साइकिलिंग प्लेइंग फुटबॉल स्विमिंग ये बहुत सारी हॉबीज़ हैं इनमें से हमारी कोई भी हो सकती है रीकैप हॉबीज आर दोज एक्टिविटीज़ आर वी डू इन फ्री टाइम डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ हॉबीज हॉबीज कीप अस बिजी मेक अस क्लाड एंड रिलैक्स अस हॉबीज़ वो एक्टिविटीज होती हैं जो आप अपने फ्री टाइम में करते हैं और डिफरेंट लोगों की डिफरेंट हॉबीज होती हैं हॉबीज़ हमको बिजी रखते हैं इसके अलावा हमें रिलैक्स करते हैं एंड हमें खुश भी रखते हैं चिल्ड्रन आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा आज इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे